तो फिल्मी टॉस के 22 एपिसोड में सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान का पहला ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। इस पोस्टर में शाहरुख खान काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने जवान के प्रीव्यू में देखा है कि शाहरुख खान का बुढ़ा अवतार गंजा होगा। ये वही पोस्टर है जिसमे शाहरुख खान एक गंजे के लुक में नजर आ रहे हैं। और जवान से एक और बड़ी खबर यह है कि जवान फिल्म में कियारा आडवाणी भी नजर आ सकती हैं। कियारा आडवाणी का भी कैमियो हो सकता है। और कार्तिक आर्यन ने अपनी आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान के साथ कार्तिक आर्यन को देख सकते हैं। चंदू चैंपियन एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और खबरों की माने तो इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट श्रद्धा कपूर को साइन किया गया है। तो चंदू चैंपियन की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये फिल्म 14 जून 2024 के मौके पर रिलीज होगी। और जाने माने राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हम अभी RRR के सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को SS राजामौली डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस फिल्म को SS राजामौली की देखरेख में कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और इस बार इस फिल्म को हॉलीवुड लेवल का बनाया जाएगा। और सूर्या की आने वाली फिल्म कांगुआ का प्रोमो 23 जुलाई के मौके पर रिलीज किया जाएगा। 23 जुलाई को इसलिए क्योंकि उसी दिन सूर्या का जन्मदिन है और बताया जा रहा है इसी दिन कांगुआ के प्रोमो के साथ इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस की जाएगी। कांगुआ एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे 350 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है। तो आप सूर्या की इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो? और किक 2 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। किक फिल्म के डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला ने कहा है कि किक 2 जरूर आएगी, लेकिन अभी इस फिल्म को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। किक 2 की स्टोरी फाइनल हो गई है और इस कहानी को सलमान खान ने भी सुन लिया है और बताया जा रहा है ये फिल्म 2024 या फिर 2025 में रिलीज होगी। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।